तेलंगाना के मेडक में लॉरी ने बाइक सवार को रौंदा। टक्कर के बाद बाइक में लगी भीषण आग, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। यूपी के झांसी में गली में खड़ी कार को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, आगे जाकर एक चबूतरे से टकराई कार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। यूपी के झांसी में खाद को लेकर आपस में भिड़े किसान, लाइन में लगे किसानों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के साथ मारपीट, बीईओ के दफ्तर में घुसकर की मारपीट, दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के सिद्धार्थनगर में दबंगों ने पुलिस कस्टडी में युवक पर किया हमला, पुलिस ने पकड़कर दोनों दबंगों को पीटा, वीडियो वायरल। यूपी के इटावा में दबंगों ने एक युवक को लात, घूंसों और चप्पलों से पीटा, दबंगों ने मारपीट का वीडियो खुद ही किया अपलोड, एक ही गांव के हैं दोनों पक्ष के लोग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता की गुंडागर्दी वायरल, बीच बाजार सब्जी वाले को जड़ा थप्पड़, सब्जी के दाम को लेकर हुआ विवाद। एमपी के ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे पर की फायरिंग, दूल्हे ने बग्गी से उतरकर बचाई जान, पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। दावत खाने शादी में बिन बुलाए पहुंचे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, टोकने पर बारातियों से की मारपीट, बम से हमला करने का भी आरोप। यूपी के झांसी में कम दूध मिलने पर भड़का साधु, जमीन पर पलटी दूध से भरी कढ़ाई, कान का कर्मचारी झुलसा। चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, तीन नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की, बोले अब तारीख पर तारीख को खत्म किया। चीन के मुद्दे पर संसद में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा एलएसी पर हालात सामान्य, कूटनीति पहल से सुधरे हालात, समझौते का पूरी तरह से पालन जरूरी। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बिगड़ी तबीयत, ठाणे के जुपिटर अस्पताल में हुआ रूटीन चेकअप, बुखार और कमजोरी की शिकायत। अडानी और संभल मुद्दे पर संसद में फिर हंगामा, विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी, लोकसभा से वॉकआउट के बाद फिर लौटे कांग्रेस सांसद। संसद में समाजवादी पार्टी ने उठाया संभल हिंसा का मुद्दा, अखिलेश यादव बोले सोची समझी साजिश के तहत हिंसा, ये खुदाई देश की तहजीब खोदेगी। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, ताजमहल की बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल हिंसा को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, एएमयू कैंपस में धार्मिक नारेबाजी, बाबरी नहीं दोहराई जाएगी जैसे नारे लगाए। वाराणसी में यूपी कॉलेज के पास मजार के पास छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, भारी संख्या में पुलिस फोर्स रही मौजूद, पुलिस ने छात्रों को हंगामा करने से रोका। बदायूं की शमसी जामा मस्जिद विवाद में कोर्ट ने मंजूर की याचिका, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, मस्जिद से नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। गले में तख्ती लटकाकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे सुखबीर बादल, दरबान बनकर बैठे पूर्व डिप्टी सीएम, श्री अकाल तख्त साहिब ने कल सुनाई थी सेवा करने की सजा। योग गुरु बाबा रामदेव की, रामदेव ने पिया गधी का दूध, बताया गया भैंस के दूध से ज्यादा ताकतवर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, पैरामिलिट्री फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, महिला पुलिसकर्मी और पीएसी तैनात। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, हारवन इलाके में सेना ने आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दो मेडिकल कॉलेज में ईडी की रेड, एमबीबीएस भर्ती घोटाले में कार्रवाई, सुबह 6 बजे से छापेमारी। बांग्लादेश में चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई टली, चिन्मय दास का पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचा कोई वकील, जमानत पर 2 जनवरी को अगली सुनवाई। कोलकाता स्कॉन उपाध्यक्ष राधा रमण दास का बयान, कहा कट्टरपंथियों का चिन्मय दास के वकील पर हमला, वकील रमन रॉय आईसीयू में भर्ती। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरकार का सरेंडर, ढाका में रात भर भारतीय दूतावास के बाहर शोर शराबा और हंगामा। ब्रिटिश संसद में उठा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा, सांसद बैरी गार्डिनर और प्रीति पटेल ने उठाया मामला, पूछा क्या कर रही है ब्रिटिश सरकार। फेंगल तूफान के कारण तमिलनाडु के कई इलाकों में बड़ा हादसा, भारी बारिश के बाद घर पर चट्टान गिरने से 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। यूपी के हरदोई में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद सड़क पर बिखरी अंडों की क्रेट, अंडे लूटने के लिए लोगों में होड़, वीडियो वायरल। रेल की सनक में जान की बाजी लगाने से बाज नहीं आ रहे युवक, वीडियो बनाने के लिए बस के नीचे लेटा युवक, बाल बाल बची युवक की जान। रील के लिए जानलेवा स्टंट की एक और तस्वीर आई सामने, बाइक पर लड़की को बैठाकर लड़के ने किया स्टंट, दोनों ने नहीं लगाया हेलमेट। यूपी के सीतापुर में रील के लिए बीच सड़क पर डांस, भीड़ में पुलिसकर्मी भी दिखे मौजूद, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बाराबंकी में युवक ने की रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन रोकने की कोशिश, ट्रेन के नजदीक आने पर पटरी से हट गया युवक, वीडियो वायरल।
जेवा एयरपोर्ट पर निर्माण के दौरान क्रेन में लगी आग, क्रेन से उठी लपटे और धुएं से मची अफरा तफरी। एयरपोर्ट की फायर सेफ्टी टीम ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली में लगातार बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़, घरों के ऊपर बिछी बर्फ की चादर। गुरेज वैली की सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, प्रशासन ने लोगों को गुरेज आने से बचने की सलाह दी। चीन के गुइंगझाओ में ट्रक के रेस्क्यू के दौरान हादसा, सड़क के नीचे गिरा ट्रेलर पर रखा कंटेनर, बाल बाल बची नीचे खड़ी गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पानी से भरे गड्ढे में गिरा हाथी का बच्चा, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। झारखंड की राजधानी रांची में मिला दुर्लभ प्रजाति का उड़ने वाला सांप, 50 से 100 फीट तक लगा सकता है छलांग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।